एक मिनट, आजा। क्या हुआ है? मुझे सुबह भी लग रहा था वो कुछ बताना चाहती है, अभी भी परेशान है, बता ना। ए बाड़ा, आई को नहीं बताएगी? हाँ, तुझे ऐसा देखती हूँ ना तो मुझे भी टेंशन होती है, प्लीज बता दे। बता। आई, सभी ने जो आयुष पर इल्जाम लगाया था वो सच है। क्या इसका मतलब सभी के साथ वाकई में जबरदस्ती? इसका मतलब तुम दोनों भी वहां पे मौजूद थी, ये सब कुछ होते हुए तुम दोनों ने देखा। कुछ नहीं कहा, मुझे भी नहीं बताया। वो बेचारी लड़की कह के रही और तुम? मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। I am really sorry. आप ये सब ईशान दादा को बता दोगे प्लीज? नहीं, ये गलती तुम दोनों ने की है, तुम दोनों ने बात छुपाई है, तो अब ईशान को भी सच तुम ही बताओगी, मैं बीच में नहीं आऊंगी। अनवी, मुझे दुर्वा से वैसे भी उम्मीद नहीं है, मगर उसके साथ तू भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार गई। नहीं, एक माँ होने के तौर पर मैं फेल हो गई। नहीं, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, पता। दादागिरी हम नहीं, आप कर रही शीला मैडम। हमारे कॉलेज में आकर हमारे स्टूडेंट से गैर कानूनी तरीके से पूछताछ कर रही है, तो दादागिरी कौन कर रहा है बताइए ना। सर, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अरे मैडम, रिपोर्टर का काम होता है लोगों तक खबर पहुँचाना, बनाना नहीं। या तो इन्वेस्टिगेशन भी आप ही कर रही है, जज भी आप बन गई, फैसला भी आपने सुना दिया, कहना मैडम जो कुछ भी यहाँ चल रहा है ना उसकी तहकीकात हो रही है। आपसे रहा नहीं गया, आप आ गई यहाँ पे सनसनीखेज खबर बनाने के लिए। आप जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके घर के आगे एक बच्चा दिवाली में पटाखा भी फोड़ेगा ना, तो उसके ऊपर भी बॉम्ब ब्लास्ट का केस डाल देंगे आप, बरोबर ना? वैसे भी जो छोटी मोटी जो है बातें, आपको क्या लगता है कि मेरे साथ जो हुआ ये सब छोटी छोटी बातें हैं? एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप तो छोटी सी बात लगता है? नहीं, मैं सभी से सहमत हूँ, जबरदस्ती हुई है इसके साथ।